हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। तो गाइज, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने माउंट मून को पार करके आ गए थे, एंड जैसे ही मैं एग्जिट से निकल रहा था तब मैंने प्रोफेसर ओक के बारे में कुछ बातें सुनी जो कि ब्रॉक और मिस्टी बातें कर रहे थे। आई डोंट नो वो कितनी सच है। ब्रॉक बात कर रहे थे कि प्रोफेसर ओक ने रेड को धोखा दिया एंड रेड इसकी वजह से एक्सपायर हो गया। आई मीन आई डोंट नो इस मल्टीवर्स वाले गेम में क्या दिक्कत है या फिर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे नहीं पता। बट अगर आपको कोई सेंस लग रहा है इस स्टोरी में तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। बट डोंट वरी गाइज, मतलब अगर इसमें अभी सेंस नहीं बन रहा तो मेरे साथ गेम के एंड तक बने रहना। आई एम प्रिटी श्योर गेम में सेंस है, तभी तो गेम बनाया बनटाई ने। बट या थैंक यू बनटाई फॉर दिस अमेजिंग गेम। एंड चलो आगे जाएंगे। मैं आज के एपिसोड में बहुत सारी बातें करूँगा लोगों से। अगर वो स्लोब्रो वहाँ ना होता तो तुम उस ट्री को कट करके आगे जा सकते थे, लेकिन शायद एक और रास्ता भी है। ओह ओके, तो कुछ बोलेगी या फिर बोलेगा, पता नहीं तेरा जेंडर क्या है। अपना काम करना भाई। ओह ओके सॉरी, मुझे एक चमकीली रेड साइकिल चाहिए। ही ही ओके, मैं देखता हूँ क्या मेरे को साइकिल मिलेगी। ओके ओह, ये तो एक बाइक वाउचर है, मुबारक हो। एक मिनट, मेरे पास बाइक वाउचर कहाँ से आया? मुझे कोई आइडिया नहीं है मेरे पास बाइक वाउचर कहाँ से आया। थैंक यू, फिर ज़रूर आना। उफ़ ये दुनिया। ओके, मैं अपनी साइकिल पर स्पाइडरमैन का स्टिकर लगाऊंगी। मैं आयरन मैन का लगाऊंगा। आयरन मैन लव यू 3000। अच्छा, ये स्लोब्रो की बात कर रहे हैं। ओके, ये अगर यहाँ से हट जाता तो बेसिकली हाँ हम लोग नीचे जा सकते थे। स्लोब्रो विदड्रॉ। नहीं नहीं, अरे पोकेमॉन को कंट्रोल करना मुश्किल है। एग्जैक्टली, वो तेरी बात नहीं मान रहा, वो मेरी क्या नहीं मानेगा, मतलब ऑब्वियसली बात है। अंकल आप क्या देख रहे हो? उफ़, ये टीवी पर कुछ अच्छा नहीं आता आजकल। बंद कर दो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी, बिल भी नहीं आएगा। ओके, और कोई एरिया है क्या? वेट, मैं यहाँ पे भी अंदर जाके बातें कर सकता हूँ लोगों से। बेसिकली मैं सबसे बातें करूँगा, बिकॉज पता नहीं कब कोई इंसान क्या मेरे को नॉलेज दे दे जो कि मैं आगे यूज़ कर सकूँ। रिपेल बहुत काम की चीज़ है, पर अफसोस ये लड़कियों पर काम नहीं करती। कैसे बचूँ मैं लड़कियों से? ओह सो यू आर अ प्लेबॉय, आई सी। ट्रस्ट मी गाइज, मैं एक रियल लाइफ में एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो भी ऐसा ही है बिल्कुल। बट ठीक है, आप क्या कहोगी? अरे रुको, तो क्या तुमने रेयर कैंडी के बारे में सुना है? मुझे एक चाहिए। वेट, आई गेस मेरे पास बैग में एक है, बिकॉज लास्ट एपिसोड में जहाँ तक मुझे याद है मेरे को एक रेयर कैंडी मिली थी। देख रहो, मतलब मेरे को मिल गई। बट मैं आपको दूँ कैसे? मेरे पास है बट मैं आपको दे नहीं सकता आई गेस। थोड़ी शॉपिंग कर लेता हूँ, सुपर पोशन अभी हम लोग खरीद सकते हैं एंड बैग में एक भी नहीं है, सो थोड़े से शॉपिंग कर लेते आई गेस। ओके, आई गेस आई एम गुड टू गो। चलो देखेंगे आगे क्या करना है। तुम भी एक ट्रेनर हो, कलेक्टिंग बैटलिंग मुश्किल है यार। इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम लोग रोज अपने पोकेमॉन को ट्रेन करोगे तो इतना मुश्किल नहीं है। हे ट्रेनर, आई सी तुमने फर्स्ट बैच जीत लिया, इसलिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड में दूंगा एक रेयर पोकेमॉन, लेकिन पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। रेडी? आई गेस। भाई पहले स्पेस तो बना ले पार्टी में। ओके ओके, ये इनका नखरा होता है यार, मतलब इनको हमेशा कोई ना कोई पोकेमॉन मेरे को डिपॉजिट करने के लिए फोर्स करना ही पड़ता है। कोई नहीं आई गेस, क्लिफेरी इस बार तू थोड़ा रेस्ट कर ले। पता नहीं अब ये कौन सा मेरे को पोकेमॉन देगा, बट अच्छी बात है बंटा ने यहाँ पे बहुत मेहनत की है। बेसिकली अगर देखा जाए तो उसने हर एक टाउन में हर एक जिम के बाजू में एक ऐसा बंदा रखा है जो कि बैटल करता है, एंड इन रिटर्न वो काफ़ी अच्छा पोकेमॉन देता है। ब्रॉक के बाजू में जो बंदा था उसने हम लोगों को फ्रोकी दिया था जो कि लेवल 32 का था। पता नहीं ये कौन सा पोकेमॉन देगा। ओके, ये तो मुझे पता था, ऑब्वियस ही बात है, ये मैंने पढ़ा है। यस, देखते इसके पास कौन से पोकेमॉन है। रिच बॉय साद। ओके, एक इसके पास टाइप नल है। मैं इसको टॉक्सिक कर दूँ क्या? ओके, हो गया ये टॉक्सिक, नाइस। अब मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मैंने बंटाई की वीडियो देखी, बंटाई बेसिकली क्या करता है उसमें लीड सीड डालता है, और नॉट ओनली बंटाई, रोहन भी यही कर रहा है, लीड सीड डालता है और फिर पोकेमॉन चेंज करके उनकी एचपी रिवाइव करता रहता है, मतलब खींचता रहता है। ये काफ़ी पुरानी ट्रिक है बंटाई और रोहन, मैं बहुत पहले यूज़ करता था। कुछ नया करो, बट इट्स ओके, उनकी मर्ज़ी ऑब्वियसली बात है। लेट्स यूज़ टोरा कैट। ओह फुल हील यूज़ कर लिया, डैम। हमारे पास एक न्यू ये भी है तरीका, स्वैगर से हम लोग उनका ये बढ़ा देंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये दो धारी तलवार है, बिकॉज
उनका अटैक बढ़ गया है, तो अगर उन्हें हमें हिट किया, मतलब अगर उन्होंने हमें हिट किया तो हम लोग डन है, बहुत डैमेज बढ़ेगा, बट अगर उन्होंने खुद को हिट किया तो उनको भी बहुत डैमेज बढ़ेगा। सो इसलिए मैंने इसको दोधारी तलवार बोला, खुद को हिट कर ले, एक नंबर, ऐसे ही तो चाहिए था। इसके पास सुपर पोशन भी है, ओके आई सी। ओके टाइपनल को काफ़ी इजीली हरा दिया हम लोगों ने। तुमने मेरे टाइपनल को हरा दिया, एग्जैक्टली ब्रो, मेरे को 5600 रुपीस मिले, ओके पोके डॉलर्स मिले। मैंने सुना है एक आदमी किसी ऐसी क्या मैंने सुना है एक आदमी किसी ऐसे को ढूंढ रहा है जो उसे हरा सके, वो उसे एक यूनिक पोकेमोन देगा। ओ एक स्कॉर्बन ही दिया तूने, ओके मेरे पास ऑलरेडी एक अच्छा पोकेमोन है, बट देखो स्कॉर्बन भी एक काफ़ी अच्छा पोकेमोन है, एंड आई एम नॉट श्योर, मे बी मैं उसको किसी नेक्स्ट गेम प्ले में यूज़ करूँगा। स्कॉर्बन ओ लेवल 40 का है यार, बट लेट मी सी क्या बनता है ने, इसको भी सब नॉर्मल मूव्स दिए, अटैकिंग मूव नहीं, इसको तो एक्चुअली अच्छे अच्छे मूव्स दे के रखे हैं यार, इवन तो कोई फायर टाइप मूव नहीं है, लेकिन क्या मैं इसको अपने टीम में ले लूँ, आई मीन टोरा कैटो को मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं गाइस मैं ऐसा नहीं हूँ, वो हमारे साथ जर्नी में बहुत स्टार्टिंग से था, सो मैं उसको ऐसे धोखा नहीं दे सकता। स्कॉर्बनी सॉरी, बट मैं तेरे को फिर कभी टीम में लूँगा। वेट, मैंने जिसको डिपॉजिट किया उसको तो निकाल लूँ पहले, आई मीन मेरी क्लिफेबल देख सकते हो गाइज, मैंने आज की सेव फाइल डाउनलोड कर लेना, मैंने आपको बहुत सारे पोकेमोन दिए है सेव फाइल में, मैं दिखा देता हूँ कौन से आपको मिलेगा। ये तो मेरे को पहले जिम के बाजू में मिला, एंड ये मेरे को सेकेंड जिम के बाजू में मिला, एंड जुरुआ मेरे को आई गेस हिलबर्ट ने दिया था लास्ट एपिसोड के एंड में। बहुत सारे पोकेमोन्स हैं, आप लोग कोई भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपको चाहिए सेव फाइल तो डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लेना। क्या मैंने क्लिफेबल को, आई गेस मैंने क्लिफेबल को विद्रॉ नहीं किया अभी भी। ओके वेट, चल आ जा तू, देखते हैं अभी आगे क्या करना है। बट पता है मैंने इनसे बातें नहीं किया, आई गेस बिल के पास भर भर के पोकेमोन है। ओके आई नो तो किस बिल की बात कर रहे हैं, पता है मैं डॉन से मिली, मैंने डाउन पढ़ लिया, मैं डॉन से मिली, वो यही सेरुलिन सिटी में है, मेरी आइडियल है वो। ओह डॉन, मेरे को तो नहीं देखी वो कहीं पे, वो बिल का बच्चा, वो रेयर पोकेमोन के लिए कुछ भी करेगा। ओके तुमने बिल के बारे में सुना है, लोग उसे पागल कहते हैं, पर अगर तुम्हारे पास रेयर पोकेमोन कलेक्शन है तो वो शो ऑफ क्यों ना करो। हाँ एग्जैक्टली, मतलब अगर मेरे पास भी कोई रेयर पोकेमोन रहता तो मैं भी शो ऑफ करता, इट्स नॉट बैड गाइज। एंड मैं जिम को फ़िलहाल चैलेंज नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना प्रेफर करूँगा। चलो यहाँ पे भी जाएंगे गाइज। हाय दद्दू, हेलो देयर, क्या तुम्हारे पास एक पॉलीवॉल है, क्या तुम उसे ट्रेड करोगे मेरे जिंग्स के साथ। नहीं मेरे पास पॉलीवॉल नहीं है, नहीं करनी तो ठीक है, मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से करूँ। ओके मेरे हस्बैंड को ट्रेडिंग पसंद है, तुम भी पोकेडेक्स फिल करने के लिए उनके साथ रेडिंग कर लो। नहीं है सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मेरे पास वो जो पोकेमोन देख रहे हैं वो मेरे पास नहीं है। आई गेस मैंने यहाँ पे सबसे बात कर ली, चलो ऊपर जाएंगे। आप कुछ बोलोगे, मुझे बंटाई ने इंग्लिश डायलॉग ही दिए हैं, अब तुम देख लो अपना, नाउ देन। ओके मुझे समझ में आ गया यहाँ पे क्या है, बंटा यहाँ पे जब ट्रांसलेट कर रहा था तो वो बोर हो गया, इसलिए उसने ऐसा बोला कि वो उसने इंग्लिश डायलॉग ही दिया। ओके मैं समझ गया, बट ठीक है, कम विजिट मी एनी टाइम यू विश, सही है, मतलब स्मार्ट वर्क किया उसने। ऑब्वियसली बात है गेम अगर आप लोग पूरा ट्रांसलेट करोगे तो इसके डायलॉग बहुत ज़्यादा ट्रांसलेटिंग वाले डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, सो बंटा यहाँ पे तूने सही बात की, मैं तेरे से यहाँ पे सहमत हूँ। अंकल आप कुछ बोलोगे, मैं बेरी पाउडर से अच्छी मेडिसिन बना सकता हूँ, तुम्हारा इंटरेस्ट है बेरीज़ में। नहीं फ़िलहाल तो, क्या कोई इंटरेस्ट नहीं है बेटा, इंटरेस्ट दिखाओ हर चीज़ में। ओके अगर मैं हाँ बोलूँगा तो आप कुछ बोलोगे, क्यों झूठ बोल रहे हो, एक भी बेरी नहीं है तुम्हारे पास। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बेरी लेके आऊँगा आपके पास, डोंट वरी। ओह एक पुलिस वाला, इस घर में चोरी हुई है, मुझे पता है इसके पीछे टीम रॉकेट का हाथ है, पर उन्हें हम पकड़े कैसे, हाथों से। और सॉरी बैड जोक था, वो रहा ना टीम रॉकेट का बंदा। ओह ये गैरी आई मीन बंटा ही है इस गेम का। यू ओमी, तुम अब भी स्ट्रगल ही कर रहे हो बेचारे, मुझे देखो मैं काफ़ी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग पोकेमोन पकड़े हैं। ओके थोड़ी हवाबाजी कर लेता हूँ ओमी,
ओके श्योर चलेगा, बैटल करेंगे। कौरव सीकर, अरे ब्रो तेरे को सीरियसली लगता है तू मेरे टीम को हरा पाएगा? ओके हरा दिया, काफ़ी इजीली हरा दिया इसको। एक ड्रीपी, वो तो एक गोस्ट टाइप भी होता है, सो आई विल यूज टॉर्टेरा बिकॉज उसका अटैक ज़्यादा है। ये इवॉल्व होके ड्रैगापल्ट बनता है जो कि काफ़ी तगड़ा पोकेमॉन है, ड्रैगन एंड गोस्ट टाइप पोकेमॉन। एक रॉकरॉफ, ओके यही रखूँगा मैं। फ्रेजरली फन शॉट किल एक नंबर। टॉर्टेरा मेरी टीम में बहुत ज़्यादा एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कह सकता हूँ मैं। आई वी सोर आ रहा है, ओके आई वी सोर के लिए हम लोग यूज़ करेंगे टोरा कैट का। एंड गाइज मुझे बताना क्या मेरा डिसीजन सही था टोरा कैट को टीम में रखने का और स्कॉर्बनी को नहीं रखने का, बिकॉज स्कॉर्बनी इवन दो वो 40 लेवल का था लेकिन टोरा कैट के साथ मेरी एक फीलिंग्स जुड़ चुकी है गाइज, और वो मेरे साथ बहुत टाइम से है अभी तक, मतलब ये आई गेस 5वां एपिसोड है तो वो 5 एपिसोड से मेरे पास है, तो मैं ऐसे उसको किसी को डिपॉजिट नहीं कर सकता, वो हर्ट हो जाएगा और मैं मेरे पोकेमोन को हर्ट नहीं करना चाहता। हे दिल पे मत ले यार, तू जीत गया। ओके ओके तूने तो फाइट की थी ब्रो, मैं थोड़ी बोला था तेरे को। हे गेस व्हाट, मैं बिल से मिला और उसके रेयर पोकेमोन्स देखे। बिल बिल ने ही पीसी स्टोरेज सिस्टम ही बनाया है ओके जो तुम यूज़ करते हो, अब आ ही गए हो तो उससे मिलकर जाना। ओके मैं निकलता हूँ, बाय बाय। वो मेरे अंदर से चला गया। ओके ओ रिटर्न आ गया। ओ भूल गया था, तुम हमेशा मुझे एक कदम पीछे रहते हो। हाँ हाँ सच में, सो ये एक छोटा सा गिफ्ट रख लो, फेम चेकर जिसका कोई यूज़ नहीं होता मेरे लिए, तो ये तुम्हारे ही काम आएगा, मुझे किसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। अभी अब की बार मैं सच्ची का जा रहा हूँ। ओके ओके ठीक है जा सकता है। वेट मेरा पोकेमॉन एक्चुअली पॉइजन है, तो मुझे मेरे पोकेमॉन को हील करना है बिफोर वो मेरा पोकेमॉन फेंट हो जाए। नशो प्लीज़ मेरे पोकेमॉन को हील कर देना, वो पॉइजन हो चुका है, वो डेंजर में है। ओके थैंक यू, बहुत जल्दी हील कर दिया। चलो देखेंगे ऊपर क्या है। बंटाई से तो हमारी बैटल हो गई एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या रखा है हमारे लिए। एज ऑलवेज बैटल्स होंगी यहाँ पे, लोग इसे नगेट ब्रिज बुलाते हैं, शायद दिमाग दिमाग ख़राब है उनका। ओके मे बी वो गोल्डन है दैट्स वाई सीजोर। ओके यहाँ पे मैं पोकेमॉन चेंज करूँगा, आई विल यूज टोरा कैट, पता है टोरा कैट के मेगा सीजोर ऑब्वियसली। इस गेम में नॉर्मल पोकेमॉन अगर मेगा इवॉल्व ना करे तो वो नॉर्मल ट्रेनर है ही नहीं। हरा दिया एक नंबर, बट पता है जब वो लोग मेगा इवॉल्व होते हैं ना तो हमारे लिए, मैंने कितने बार बोला वो हमारे लिए फ़ायदा है, बिकॉज वो मेगा इवॉल्व होंगे तो हम लोगों को ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा हम अगर उनको हराएंगे। अगला नंबर मेरा है। ओके आ जाओ एक पीजी ऑटो, थैंक गॉड मैंने पोकेमॉन चेंज नहीं किया। आई विल यूज़ थंडर बोल्ट, ये काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है एंड एट द टॉप ऑफ दैट ये एक पॉइजन टाइप भी है, सो अगर आपकी टीम में कोई ऐसी नीड है जो कि एक इलेक्ट्रिक एंड पॉइजन चाहिए तो आप टॉक्सिसिटी के लिए जा सकते हो, आई मीन टॉक्सिसिटी के लिए काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है। पीकाचू आ रहा है, पीकाचू के लिए आई विल यूज़ टॉर्टेरा बिकॉज उसके इलेक्ट्रिक टाइप हमले मेरे पे कुछ फ़र्क नहीं करेंगे टॉर्टेरा को। आई सी ब्रो, एंड आप लोग चाहते थे कि मैं मेगा ड्रेन का यूज़ करूँ टॉर्टेरा का बिकॉज, बट गाइस क्या आपको पता है मेगा ड्रेन एक फिजिकल अटैक नहीं है, वो एक स्पेशल अटैक है एंड टॉर्टेरा का स्पेशल अटैक थोड़ा कम है, बट फिर भी आप लोग कहते हो तो मैं यूज़ कर ही लेता हूँ एंड वन शॉट के लिए हो गया। डैम ओ आखिरी पोकेमॉन आ रहा है, कौन सा है मैंने देखा नहीं, एक कॉर्विसिकर। ओके लेट्स यूज बाइट, ये स्ट्रगल क्यों कर रहा है, आर यू सीरियस, इतना वीक हो गया तू। ओके हरा दिया इसको भी एक नंबर, काफ़ी इजीली हरा दे रहा हूँ इन लोगों को मैं। ये कैसे हुआ, आपके सामने ही तो हुआ, मैंने थोड़े कुछ किया। मैं हूँ नंबर 3 बजाऊंगा बीन, आई गेस वो ऐसा रहेगा मैं हूँ नंबर 3 बजाऊंगा बीन ऐसा होगा, मैं इंग्लिश बोल के उसका रिदम बिगाड़ दिया था, कोई बात नहीं होता है गाइस। ओके अब तो ये मेरे लिए कोई डिफ़िकल्ट गेम लगता भी नहीं है, क्या करे
सीरियसली ऐसा लग रहा है कि ये पोकेमॉन सब मेरे लिए बच्चे हैं यार। बनता है थोड़ा डिफ़िकल्ट गेम बनाना नेक्स्ट टाइम, जो चैप्टर वन रहेगा ना तू जब भी रिलीज़ करेगा वो, उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाना ना गाइस। आप लोग मुझे बताना आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर। ओ डैम, मेरा वॉल टोटली फॉल हो रहा है, एक नंबर। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया ये कब 36 का हो गया बैटल्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गेम्स एक्सपीशियर। बट ये जब बहुत जल्दी इवॉल्व हो गया। ओके, कोई अटैक नहीं सीखा बट ठीक है, कोई बात नहीं। नंबर 4 दूंगी मार। ओके, देखते कौन किसको मार लेगा। मैं एक्चुअली इसके साथ अभी क्लिफेबल को यूज़ करूँगा बिकॉज वो बेचारी कुछ करती ही नहीं है, वो बस बैठी रहती है, खाली फुकट का एक्सपीरियंस गेन कर रही है। सुला दे इसको। ओके लेट्स यूज़ डबल, आई गेस मैंने गलती से फिर से सिंग यूज़ कर दिया, डबल स्लैब यूज़ करेंगे। भाई ये कब हारेगा ये पोकेमॉन। मैं फिर से क्यों सिंग यूज़ कर रहा है ये। ओके ओके, होपफुली तो इसको आज के दिन में हरा देगा ब्रो। पाउंड के पाउंड थोड़ा ज़्यादा डैमेज दे रहा है देखा जाए तो। अगर इसने अभी पोकेमॉन हील कर लिया ना तो मेरे को बहुत गुस्सा आएगा। ओके थैंक गॉड हरा दिया, थैंक गॉड। क्लिफेबल का पहला किल, पता नहीं कौन सा पोकेमॉन आ रहा है बट आई विल यूज़ माय स्टार्टर पोकेमॉन। अरे रे, गलती से मैंने वाटर टाइप डाल दिया, वेट चेंज करना पड़ेगा। इट डजेंट अफेक्ट टॉर्टेरा बिकॉज टॉर्टेरा इज़ अ ग्राउंड टाइप पोकेमॉन, ऑलरेडी स्पीड कम होती है, ज़रूरत नहीं है करने की। और टॉर्टेरा काफ़ी ब्रोकन पोकेमॉन है देखा जाए तो, इस गेम में तो मेरे लिए काफ़ी ब्रोकन पोकेमॉन साबित हो रहा है ये। ओके देख सकते हो मैंने पोकेमॉन हील करने के लिए गया ही नहीं। नंबर 5 रॉकेट लॉन्च। ओके लेट्स यूज थंडरबोल्ट। पाउडर स्नो इससे स्पीड भी गिरती है, मेरी गिरी तो नहीं आई गेस बट ठीक है। आई गेस आईसी विंड से स्पीड स्लो हो जाती है, पता नहीं। नाउ व्हाट, एक मिनट पोकेमॉन फट से हील करके आता हूँ गाइस, बिकॉज आपको तो पता ही है पोकेमॉन हील करना बहुत नेसेसरी होता है गेम में। ओके थैंक गॉड, चलो यहाँ से चुपचाप जाएंगे, मैंने सबको हरा दिया। अब देखते क्या है यहाँ। कॉन्ग्रेट्स, तुमने ये 5 ट्रेनर्स को हरा दिया, तुम्हें मिलेगा एक प्राइज़। ओके यहाँ पे एक्चुअली एक ट्रेनर है बट वो दिख नहीं रहा है बिकॉज होता क्या है ना, मैंने जो गेम स्टार्ट किया था बंटाई ने मेरे को जो एक पहले गेम दिया था उसका मैं गेम प्ले स्टार्ट कर दिया था पहले। बट अभी क्या हुआ कि जस्ट बिकॉज मैंने उसको बोला था कि गेम प्ले थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो उसने क्या किया डिफ़िकल्टी कम कर दी गेम की एंड फिर उसने उस वाले को अपलोड किया। एंड अभी मैंने भी उसी में अपनी पुरानी गेम की सेव फाइल यूज़ कर ली, सो दैट्स वाई यहाँ पे कुछ कुछ ट्रेनर्स हैं जो कि दिख नहीं रही है, जैसे कि लास्ट एपिसोड में ब्रॉक और मिस्टी नहीं दिख रही थी। लेकिन हाँ, कैरेक्टर्स नहीं दिखेंगे बट गेम में और स्टोरी लाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, सो डोंट वरी गाइस। यहाँ पे मेरे को एक नगेट मिल चुका है। बाय द वे, तुम टीम रॉकेट ज्वाइन करना चाहोगे, मजे ही मजे होंगे। क्या नहीं करोगे, लगता है तुम्हें अलग भाषा में समझाना पड़ेगा। ओ अगर मैं सही रहूँगा गाइस तो क्या ये बैटल करता है, मतलब नॉर्मल फायर रेड में ये बैटल नहीं करता बट बंटाई ने इसको भी बैटल कराने के लिए फोर्स किया है, जो कि सही है यार। मतलब अब तू खुद की स्टोरी बना सकता है बेसिकली, अगर आप लोग गाइस बंटाई को सपोर्ट करोगे ना तो वो खुद का एक अलग से पूरा यूनिवर्स बना देगा, मतलब पोकेमॉन यूनिवर्स, जिसमें वो एक अलग रीजन बना देगा, 2-3 रीजन बना देगा एंड फिर उसमें बहुत सारे पोकेमॉन्स ऐड कर देगा। सही है गाइस, लगे रहो। यहाँ पे मेरे को पोकेमॉन चेंज करने की ज़रूरत आ चुकी है। आई विल यूज़ टॉर्ट। ओ ओके, आई गेस तेरे को इससे हारना था। नहीं यार, लेट्स यूज़ ब्लास्टोइज। वाटर गन नहीं है इसके पास,
सर्फ कब सीखेगा? हाइड्रो पंप वगैरह कुछ तो सीख जा जल्दी। ओके हरा दिया, एक नंबर। और क्या, तुम्हारी काबिलियत से तुम टीम रॉकेट के टॉप लीडर बन सकते हो। थैंक यू बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने तुम्हें देख लिया, एक्चुअली मैं तेरे आंखों के सामने आया तो मैंने तेरे को देखा, डोंट वरी ब्रो। टॉक्सिसिटी का एक ही है कि उसका डिफेंस थोड़ा कमज़ोर है, सो ठीक है आई गेस। एक जेंगूज, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे टोरा कैट का। ये इवॉल्व कब होगा यार? ये आई गेस ये भी 36 पे इवॉल्व होता है। लेट्स यूज डबल किक, स्वॉर्ड डांस। ओके फ़ायदा क्या अगर तू बचेगा ही नहीं, तेरा पोकेमॉन अटैक बढ़ा के फ़ायदा क्या है फिर? ओके इसको भी हरा दिया गाइस। अभी क्या, ओ ये कौन है? यहाँ पे मुझे एक TM-45 मिला, ये बंदा नया है। हेलो माफ़ करना, पर क्या तुम मेरे रॉकरफ को ख्याल मेरे रॉकरफ का ख्याल रख सकते हो? मेरे पास यस। अबे यार पहले अपने पोकेमोन पार्टी में जगह बना। अरे ठीक है ब्रो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वेट अभी बना लेते हैं। रॉकरफ इज़ अ नाइस पोकेमोन। अगर आप लोग उसे एक रॉक टाइप में देखोगे तो उसके जो फॉर्म्स है ना, आई गेस लाइक एन रॉक के, वो काफ़ी अच्छे हैं। फिलहाल टॉक्सिसिटी तो थोड़े टाइम के लिए डिपॉजिट हो जाए, मैं रॉकरफ लेके आता हूँ। मुझे लगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो बैटल वगैरह करेगा, बट वो सीधा अपने पोकेमोन को दे रहा है। दे दे ब्रो। ओके थैंक यू, प्लीज़ इसका ख्याल रखना। ओके उसने बंटाई ने ये वाली भी स्क्रिप्ट डाल दी कि पोकेमोन मिलने के बाद ये वाला जो यहाँ पे पोकेमोन था वो गायब हो जाता है। सही है यार, मतलब अब तो एक काफ़ी प्रोफेशनल रोम हैकर बन चुका है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सही है, मैंने ये इतने जल्दी तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार इतने जल्दी तो इतना एडवांस हो जाएगा। सही है, रॉकरफ का लेवल कितना है? 15 का ही है यार, फिर क्या फ़ायदा। मैं देखो लगा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बट डिसेंट है, मतलब नॉट अ बिग डील। चलो जल्दी जाएंगे ऊपर बिकॉज मेरे को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है। इसको तो हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया था, तो चलो अभी देखेंगे यहाँ पे क्या रखा है। यहाँ पे कुछ है क्या? ओके लेट मी सी। नहीं यहाँ पे, ए यहाँ पे कुछ तो है। ओके पोकेमॉन उड़ रहा है, मैं सबसे बातें करूँगा यहाँ पे। माउंट मून इतना भी बेकार नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी तो वहाँ पे आया, वहाँ से ही आया मतलब। ओके हरा दिया इसको। नाउ व्हाट, इसी को रखेंगे आई गेस, ग्रैवलर। ओके इसका डिफेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग था देखा जाए तो, एज कम्पेयर टू ओनिक्स। आई नहीं तो देखो गाइस, साइबीम सीख रहा है। साइबीम में ज़रूर सिखाऊंगा, कन्फ्यूजन हटा देते हैं बिकॉज साइबीम का डैमेज ज़्यादा होता है कन्फ्यूजन से। एंड इवन तो 5 PP कम है कन्फ्यूजन से, बट फिर भी अगर डैमेज ज़्यादा है तो ठीक है, आई कैन कंसिडर दैट मूव। एंड फाइनली आवर टोरा कैट इज़ ऑल्सो इवॉल्विंग। तो हमारे पास अभी तीनों फुल्ली इवॉल्व स्टार्टर आ चुके हैं, मतलब तीनों टाइप के फुल्ली इवॉल्व स्टार्टर आ चुके हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड तू क्या बोलेगा ब्रो, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है? ठीक है कर लेते हैं। क्विलावा, लेट्स यूज कर्स। ओके नाउ लेट्स यूज बाइट, यू आर डेड। ओके ओके वेट, इसके लिए आई विल यूज इंसिनरोर एम्बर, वन शॉट के लिए एक नंबर। मैंने तो राइमिंग कर दिया, तू भी रह गया। अरे किधर जा रहे हो बिटुआ? बिल से मिलने अंकल, सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा मिल के आ जाऊँ। आपको कोई दिक्कत है? ओके मेगा स्टीलिक्स एज ऑलवेज, हार्डन कर ले। आई विल यूज एम्बर फॉर डैम। स्वैगर कर लूँ क्या तेरे को मैं?
और अटैक बढ़ा दूंगा, खुद को ऐड कर ले बस, यही चाहिए था। ओके बर्न हो गया और क्या। ओह ओह नहीं 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 वेट, एक और बार स्वैगर कर दूंगा तो इसका अटैक एकदम मैक्स हो जाएगा। अरे मिस क्यों हो रहा है। ओके आई गेस अब मेरे को चांस नहीं लेना चाहिए, आई विल सिंपली यूज एम्बर। ओके वो नीचे वाला रास्ता शॉर्टकट है सर्विलेंस सिटी का। हाँ ओके। ओ हाय डैड मुझसे असैसिन में एक मस्त पार्टी में ले गए थे। ओके एक डब वूल, ये काफ़ी ओपी पोकेमोन है गाइस। मैं इसकी थोड़ी सी एचपी ले लूँ क्या, इफ़ यू डोंट माइंड ब्रो, थैंक यू। अब रेजर लीफ यूज़ करके हम लोग इसको हरा देंगे। ओके इसका काम ख़त्म। और फिर क्या हुआ एसएसएन में जाने के बाद, वहाँ मैंने अलग अलग रीजन के ट्रेनर्स देखे। ओ डैम कौन से ट्रेनर देखे, लेट मी गैस, ऐश को देखा तूने, मेरे पास बॉयफ्रेंड है। हाँ ठीक है, मैंने कब बोला, वैसे भी मैं लड़की आई मीन मेरे को पसंद नहीं है रिलेशन वगैरह। अरे यार ये गाइस सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, आई एम रियली सॉरी, मेरे एरिया के डॉगीज को थोड़ा सा जोश आ जाता है रात के टाइम पे, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, इंडिया में ही रहता हूँ तो ऑब्वियस ही बात है। ओके अरे तू फ्लिंच मत करा यार मेरे पोकेमोन को, बस हो गया अभी एक और बार कराया ना तो देख ले। ओके डर गया तू मेरे से। ओके अभी नहीं कर रहा सीरियसली, थैंक यू। ओके नाउ व्हाट, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स है, मैं भी पोकेमैनियाक से मिलने जा रहा हूँ, आई मीन आई गेस यू मीन टू से विल से, विल नहीं बिल से, एक कारकोल, ये आई गेस एक फायर एंड रॉक टाइप पोकेमोन है, बंद करा दिया डैम। वाटर गन, और इससे हमारा काम हो गया एक नंबर। एक सिली कोबरा बर्न हील नहीं है मेरे पास आई गेस जहां तक मुझे याद है। ओके हरा दिया इसको, अब मेरे को पोकेमोन चेंज करना पड़ेगा। मेटल साउंड सीख रहा है ना, एक लार्विटार, लार्विटार के लिए आई गेस आई विल यूज़ इंसिडोर बिकॉज उसके पास एक फाइटिंग टाइप मूव है जो कि लार्विटार के अगेंस्ट सुपर इफेक्टिव होता है। ओके काम तमाम इसका। ओनिक्स, ओनिक्स के लिए एक्चुअली आई नीड अ ग्रास टाइप पोकेमोन, सो हम लोग उसी को यूज़ करेंगे। एंड वेट मैं इससे अपने एचपी ले लूँगा थोड़ी सी, मतलब टोर्टेरा के लिए एचपी चाहिए ना ऑब्वियस ही बात है, तो ओके थैंक गॉड करा दिया इसको काफ़ी इजीली। अच्छा पेला तुमने मुझे, ओके अंकल कैसे अश्लील बातें कर रहे हो। ए वेट वो कोई बुढ़ा है क्या, आई गेस मेरी एक गर्लफ्रेंड है आई गेस। ओ अच्छा तुम लोग हो वो लव वर्ड्स। पीकाचू लेट्स यूज रेजर लीफ, मेगा पीकाचू, अच्छा ये जायगंटा मैक्स पीकाचू है, डैम लेट्स यूज कर्स। हो गया काम खत्म, ये वो कीड़ा वाला पोकेमोन ना, लेट्स यूज मेगा ड्रेन एंड बाइट आई गेस काम नहीं करेगा इनके ऊपर। हाँ तो मेगा ड्रेन से हम लोग एचपी खींच लेंगे इनकी। कर्स की यूज़ किया मैंने आई डोंट नो बट ओके, बल्क अप ओके, क्या फ़ायदा एक एचपी पे तुम्हारा अटैक और डिफेंस बढ़ा के, कोई फ़ायदा नहीं है। ओके वेट
मेरे को वो चाहिए था। सो लगता है जैसे इस पेड़ को काटा जा सके। ये पेड़ है? अरे सीरियस, ये कोई पेड़ लगता नहीं है मुझे यहाँ पे। वो कोई तो ऐसा लग रहा है लेटा हुआ है, मुझे नहीं पता ये क्या ग्लिच है, बट ओके मैं पक्का हारने वाला हूँ, तो बैटल मत कर ब्रो मुझसे, इजी है। एक गिबाइल, ओके तेरा अटैक भी मिस हो रहा है ब्रो। ओके हरा दिया। अब मेरे को लगता है मेरे पोकेमोन के लेवल थोड़े कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। सीरियसली मेरे को ट्रेन करने का ज़रूरत ही नहीं है, जो कि अच्छी बात है आई गेस। ओके हरा दिया इसको। तू तो बैटल करेगी ऑब्वियस सी बात है। मेरी दोस्त के पास बहुत से क्यूट पोकेमोन है, आई गेस तेरे पास भी होंगे आई एम प्रेटी श्योर। देखा मैंने बोला ही था। रेजर लीव, ओके हरा दिया। एक पिजियोटो मुझे तो क्यूट नहीं लगता, बट ठीक है मे भी तेरे को लगता रहेगा। थंडरबोल्ट हरा दिया, एक नंबर। अभी क्या, अभी एक गॉसी फ्लोर। ओके अच्छा ये वाला पोकेमॉन, वेर इज माई, बट नहीं यार फिर वो हार सकता है। सो लेट्स यूज़ और बीटल, रिफ्लेक्ट यूज़ कर लेंगे एंड लेट्स यूज़ साई बीम आई गेस। कन्फ्यूज़ हो गई, एक नंबर। लाइट स्क्रीन भी लगा लूँगा मैं। ओके हरा दिया काफ़ी इजीली। ऑर्बिटल इज ब्रोकन पोकेमोन। वो यहाँ पे डॉन है, पर डॉन से पहले मैं इन लोगों से बातें करना चाहता हूँ। ही तुम अकेले आए हो? सेरुलिन केप पर सिर्फ कपल्स आते हैं। ओके केप की लेक आई गेस। ये एक डेटिंग स्पॉट है, मिस्टी भी यहाँ आना चाहती है, पर किसके साथ? ब्रॉक? नहीं, ब्रॉक और वो तो आई गेस सिर्फ फ्रेंड्स है। मे बी ऐश के साथ आना चाहेगी। आप लोग मुझे बताना, ब्रॉक नहीं ऐश और मिस्टी, अगर आप लोग मतलब अगर आप ऐश और मिस्टी को कहीं डेट पे जाके जाते हुए देख रहे हैं तो आपका मतलब रिएक्शन कैसे होगा? हेलो तुम कौन हो? ओ ओमी, मेरा नाम है डॉन। मैं और लुकस कैंटो में घूमने आए हैं। लुकस अभी मिस्टी को चैलेंज करने गया है। ओके ओ मैं मुझे बैटल्स में दिलचस्पी नहीं है। उम्मीद करती हूँ हम फिर मिलेंगे। ओके तू गायब नहीं हुई? ओके कोई बात नहीं, मुझे लगा तू भी गायब हो जाएगी एज ऑलवेज, जैसे बाकी के लोग भी गायब हो जाते हैं। लेकिन चलो देखते हैं ये बिल का घर कैसा है यहाँ पे। ओ ये क्या है? हे मैं एक पोकेमोन हूँ। नहीं मैं हूँ, मुझे बिल बुलाओ, मैं एक ट्रू ब्लू पोकेमैनिया हूँ। ओके ओए तुमने यकीन नहीं हो रहा। मैं मज़े नहीं ले रहा बोई, एक एक्सपेरिमेंट ख़राब हो गया और मैं एक पोकेमोन बन गया। सो कैसा रहेगा अगर तुम मेरी मदद करो? मेरे टेलीपोर्टर में जाने का इंतज़ार करना, उसके बाद मेरे पीसी में जाकर सेल सेपरेशन सिस्टम ऑन करना। ओके आई गेस मैंने क्लिफेरी के डायलॉग्स पढ़ लिए। ओके कोई बात नहीं, होता है होता है। टेलीपोर्टल के सेल सेपरेशन शुरू किया। ओके ओके अब इससे बात करेंगे। यी हा थैंक्स ब्रो, तुम्हारा एहसान है। सो क्या तुम देखने आए हो मेरे पोकेमोन कलेक्शन? क्या मतलब, नहीं सुनकर अच्छा तो नहीं लगा, बट आई गॉट टू से थैंक यू। ओ शायद इससे काम बन जाए। एसएस टिकट मिल चुकी है गाइस। सो बेसिकली हम लोग अभी एसएस शिप में जा सकते हैं, एसएस एन में जा सकते हैं। दैट क्रूज शिप एसएस एन इज़ इन द वर्मेलिन सिटी। आई हियर देर आर अ लॉट ऑफ ट्रेनर्स ऑन बोर्ड टू। दे इन्वाइटेड मी टू देयर पार्टी बट आई कांट स्टैंड अ फैंसी डोज। ओके वाई डोंट यू गो इंस्टेड ऑफ मी? गो ऑन एंड हैव अ गुड टाइम। ओके थैंक यू बिल। एंड अब जब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था डॉन मुझसे बैटल करेगी, लेकिन डॉन को दिलचस्पी नहीं है जैसे कि उसने कहा। सो कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग जाएंगे फिर से सेरुलिन सिटी और
पोकेमोन हील करेंगे सबसे पहले तो। एंड जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं एपिसोड काफ़ी बड़ा हो गया है, सो एक काम करते हैं पोकेमोन हील करेंगे एंड उसके बाद मैं एपिसोड को एंड कर रहा हूँ। नश है प्लीज़ मेरे पोकेमोन को जल्दी हील कर देना बिकॉज एपिसोड एंड भी करना है मुझे को। वैसे देखा जाए तो आज का एपिसोड इतना बड़ा नहीं था। एक मिनट, एक काम कर सकता हूँ मैं मिस्टी को चैलेंज कर ही देता हूँ। अंकल आप कुछ बोलोगे? यो मोटू अंकल का हेलो। ओके मिस्टी वाटर टाइप यूज़ करती है, अब तुम्हें वाटर टाइप की वीकनेस भी नहीं पता? एक्चुअली मुझे पता है। ओ वेट, मैं मिस्टी को हरा सकता हूँ देखा जाए तो। मेरे पास एक टॉर्टेरा है एंड आई एम प्रिटी श्योर मेरा टॉर्टेरा उसको हराने में मतलब कामयाब हो जाएगा। आखिरी बार कब नहाए थे? आई गेस आज सुबह। कर्स यूज़ कर लेंगे जिससे कि पहला अटैक और ये बढ़ जाएगा। ओह सो यू आर यूजिंग बाइट, आई सी। तो मैं तेरे को अटैक ही नहीं करूँगा, बाइट से बचने का सबसे बेस्ट तरीका होता है गाइज, उस पर अटैक मत करना। लेवन शॉट किल। दूसरा पोकेमॉन कौन सा है तेरे पास? रेड नाउ? इट डजेंट मैटर ब्रो, ग्रास टाइप पोकेमॉन इज डेंजर फॉर रेड नाउ बिकॉज वो एक वाटर एंड रॉक टाइप पोकेमॉन है। हरा दिया, चलो। क्या तुम्हें ही हरा दूंगी? ओके स्टार्मी, ओके लेट्स यूज कर्स। मैं पोकेमॉन हील करके तो रिटर्न आऊँगा ज़रूर बिकॉज मैं मिस्टी को ऐसे डायरेक्टली चैलेंज नहीं करना चाहता, मेरे पास इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे नहीं पता मिस्टी मेरे मतलब मिस्टी के पास कौन से पोकेमॉन हो सकते हैं मुझे नहीं पता ना, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे पहले पोकेमॉन हील करना प्रेफर करूँगा। ओके यहाँ पे हम लोगों ने पोकेमॉन हील कर लिया, चलो अभी मिस्टी को सीधा चैलेंज करेंगे। बस थोड़ा सा सीधा चलना सीख जाऊँ। ओके हाय, तुम नए लगते हो। तुमने मुझे रूट 4 पर देखा? हाँ मैं तो जिम में ही थी। ओ हाँ ओके ओके ओके, सो बेसिकली ये वो मिस्टी नहीं थी, वो कोई दूसरी मल्टीवर्स वाली थी। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, अब हम बैटल करें? मेरी पॉलिसी है मैं कभी भी ना हारने की। ओके तुम्हारी क्या है? ओ मतलब इसकी वो पॉलिसी है कि वो कभी भी नहीं हारती, आर यू श्योर मिस्टी? ओ ओके ओके, गैरेडॉस, गैरेडॉस के लिए मेरे पास एक पोकेमॉन है, आई हैव टॉक्सिसिटी जो कि मैं ओके मेगा गैरेडॉस मेरे लिए थोड़ा सा धोखा हो सकता है, बट इफ़ आई यूज़ थंडरबोल्ट तो मे बी मेरा यहाँ पे काम हो जाएगा। अरे यार वो जस्ट ओ मर गया मर गया मर गया। ओके मैं लिटरली डर गया था। एक क्रैमोरेंट, बेसिकली मेरे को क्रैमोरेंट के लिए कोई मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरे को बस हीलिंग करना है मेरे पोकेमॉन को, तो मैं यहाँ पे क्लिफेबल को थोड़ा सा आगे रखूँगा। एंड मैंने आई गेस रिसेंटली एक सुपर पोशन बाय किया था, सो आई विल यूज़ दैट सुपर पोशन। अरे ले हो गया हमारा काम, मतलब अब तो वो क्यूट चार्म में आ ही चुकी है, तो मैं इसको फिर से हील कर लेता हूँ। ओके बेटा अब मैं तेरे को सुला देता हूँ। नहीं सोना? ओके एक और बार, सो गई कोई बात नहीं। अब मैं पोकेमॉन चेंज करूँगा एंड मेरा वॉइस अचानक से बैठ गया। ओके अब ठीक है, लेट्स यूज थंडरबोल्ट। अच्छा क्रैमोरेंट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, आई सी। अब इसका आखिरी पोकेमॉन है कौन सा आ रहा है मैंने देखा भी नहीं, एक क्रॉडेंट, आर यू सीरियस? बंटा तूने ऐसे कैसे पोकेमॉन दे दिए मिस्टी को? आई मीन मिस्टी का स्टार्मी इससे ज़्यादा खतरनाक था सीरियसली अगर देखा जाए तो, बट ठीक है मिस्टी आई एम रियली डिसअपॉइंटेड यार, मेरे को तूने कोई चैलेंज नहीं दिया। वाह तुम तो कमाल हो, धोती फाड़ के रुमाल हो। ओ ओके कास्केड बैच से लेवल 30 तक के पोकेमॉन तुम्हारी बात मानेंगे, तुम अब कट भी यूज़ कर सकते हो और ये भी रख लो। ओके TM03 वॉटरपल सिखाता है। ओके थैंक यू। सोचो गाइज मैं इससे डर रहा था, मतलब मुझे लगा था कि मे बी उसके पास कुछ ज़्यादा अच्छे पोकेमॉन होंगे, बट सीरियसली उसके पास कोई ऐसा पोकेमॉन था ही नहीं कि वो मेरे को चैलेंज दे पाए।
आई गेस मेरे पोकेमोन कुछ ज़्यादा ही ओवर लेवल्ड है, क्या करूँ, मेरे को आदत है पोकेमोन की ट्रेनिंग करने की। बट ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग ट्रेनिंग नहीं करेंगे, देखेंगे थोड़ा चैलेंज उस टाइम पे फेस होता है कि नहीं। बट या थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखो एंड बाय, पीस आउट।